हाय फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेविल फिटनेस। सो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन है, एक्सरसाइज से पहले क्या फूड लेना चाहिए या उसका बाद क्या फूड लेना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है, और कितना टाइम पहले लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्री वर्कआउट मील के इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, हैवी लिफ्ट्स करते हैं या इंटेंस वर्कआउट करते हैं, और करने के दौरान कभी कभी हमको टायर्डनेस और फैटिक भी फील होता है, तो जिसकी वजह से हम हमारा जो लिमिट तक पुश कर नहीं पाते हैं, वो इसकी वजह से हमको फील होता है कि हमारा जो प्री वर्कआउट मील है वो हम सही तरीके से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द वर्कआउट। क्योंकि कोई भी हैवी लिफ्ट्स या इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के दौरान बॉडी को चाहिए होता है बहुत सारा एनर्जी, और ये एनर्जी मिलता है फूड से, तो जिसकी वजह से हमको एक घंटा या उससे पहले कोई भी फूड लेना चाहिए, जैसे कि कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब रिच और मीडियम प्रोटीन होना चाहिए उस मील में, जो कि डाइजेस्ट होकर मसल में अजय ग्लूकोज स्टोर होगा, और वर्कआउट के दौरान बॉडी उसको अजय फ्यूल यूज करेगा, और वर्कआउट के दौरान जो मसल ब्रेकडाउन होता है उसको भी प्रिवेंट करने में ये मील हेल्प होता है। आप जानते हैं कौन सा फूड ले सकते हैं इस मील में। ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर ले सकते हैं, लो फैट मिल्क, ओट्स और बनाना ले सकते हैं, एप्पल के साथ पीनट बटर ले सकते हैं या फिर आलमंड बटर ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं एंड एग व्हाइट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे फूड को अल्टरनेट करके आप आपका प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हैं हफ्ते भर। एंड इस सारे मील के साथ अगर आप चाहें तो प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ले सकते हैं वर्कआउट से 15 या 20 मिनट पहले, जो कि वर्कआउट में फोकस और कंसंट्रेट करने में अच्छा हेल्प होगा। तो अब जानते हैं ब्रीफली पोस्ट वर्कआउट मील का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि प्री वर्कआउट मील हेल्प करता है एक्सरसाइज का एनहांस करने और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, तो उस दौरान बॉडी में जो स्टोर एनर्जी होता है उसको बॉडी यूज करता है एज ए फ्यूल ड्यूरिंग द वर्कआउट परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो एक्सरसाइज के बाद वो धीरे धीरे डिप्लीट हो चुका होगा और उसको रिफिल करने के लिए, और जो वर्कआउट के दौरान मसल ब्रेकडाउन होता है उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील, और जिसका कम्बिनेशन हाई इन प्रोटीन और मीडियम कार्ब होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब क्या ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में। और अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए एग वाइट ले सकते हैं, बोनलेस चिकन, फिश, मिल्क, फ्रूट्स के साथ ग्रीक योगर्ट, और कार्ब में ले सकते हैं स्वीट पोटैटो, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, मिल्क, ओट्स और बनाना। एंड आप अगर प्रोटीन ले रहे हो तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट जो वे प्रोटीन है वो ले सकते हो, और ध्यान में रखना है कि प्रोटीन एक एडिशनल है, उसको मील को रिप्लेस करके प्रोटीन नहीं ले सकते या प्रोटीन लेके मील को स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड यू कैन टेक योर पोस्ट वर्कआउट मील इन बिटवीन 20-30 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट, एंड ये सारे फूड को आप अल्टरनेट करके ले सकते हो आपके मील में। जैसे कि दोनों ही पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो कीजिए, आपका डाइट में ऐड कीजिए फॉर बेटर रिजल्ट। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल डेविल फिटनेस, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।